यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक में, जिसमें आपको किसी भी गिरावट में निवेश करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है, अगर उसके ग्लोबल प्रेजेंस को देखें, वर्ल्ड का बहुत ही कम ऐसा कंट्री है, मतलब ऐसा कंटिनेंट बचा है जहां पर इसका प्रेजेंस नहीं है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट के आसपास है, फिर यहां पर देखिए इस कंटिनेंट में भी है, ब्राजील के आसपास, फिर यूरोप में तो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का प्रेजेंस है, फिर इंडिया की तो ये कंपनी है ही, इंडिया में प्रेजेंस है ही, फिर यहाँ पर चाइना मार्केट में भी प्रेजेंस है अच्छा खासा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इधर देखिए साउथ अफ्रीका में भी है, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी है, मतलब हर कंटिनेंट पे लगभग इस कंपनी का प्रेजेंस है। और ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, सेक्टर की लीडर कंपनी है, और इस कंपनी में हर गिरावट में आप इन्वेस्ट करते हैं, अभी भी इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये स्टॉक को मैंने जब 60 रुपीज के आसपास था उस समय भी कवर किया था, और देखिए अभी ये 270 रुपीज का हाई लगाने के बाद 236 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, और काफी बेहतरीन स्टॉक है। ऑटो एंसिलरी के लीडिंग मैन्युफैक्चर है ऑटोमोटिव पार्ट्स का, और मार्केट कैप की बात करें 74,000 करोड़ है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद लॉन्ग टर्म जैसे 5 इयर्स 10 इयर्स में एक अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न देगा जब आप गिरावट में बाय करेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे रीजनेबल प्राइस पे बाय करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए SIP मोड में बाय कीजिए। जब स्टॉक गिरता है तो फिर बाय करना है, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगे तो फिर हम ऊपर के प्राइस में बाय करेंगे, तो इस तरह से स्ट्रेटजी अपनाना है आपको। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.64% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 8.82% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.89% का है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 61.7% है, शेयर प्लेज की बात करें तो 3.69% का शेयर प्लेज है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.80 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, और डेट की बात करें 10,000 करोड़ का टोटल डेट है, और डेट टू इक्विटी काफी कम है 10,000 करोड़ का डेट होने के बाद, क्योंकि कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, तो एक लार्ज कैप कंपनी 10,000 करोड़ का डेट जो है काफी हैवी होता है, लेकिन ये कंपनी पे कर सकती है। रिजर्व की बात करें 12,000 करोड़ का रिजर्व है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है, तो काफी सॉलिड फंडामेंटल्स है। अगर वही बात करें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज हुआ है। देखिए, लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज हुआ है, 2010 में था 243 करोड़ का, और वहां से लगातार इंक्रीज होते हुए 1,000 करोड़, बीच में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था 1,500 करोड़ का, तो यहां से कंपनी थोड़ा सा ऑटो इंडस्ट्री 2018 से अंडर परफॉर्म रहा है। सेल्स भी लगातार इंक्रीज हुआ, 2010 में 6,000 करोड़ का था, वहां से इंक्रीज होकर 57,000 करोड़ हो गया। कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमेशा पॉजिटिव रहा है, नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है। अगर हम बात करें इन्वेस्टर का, तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग कांस्टेंट रहा है, और बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट का, लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखिए 48,000 करोड़ का यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन कंपनी इससे भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, तो इतनी सॉलिड कंपनी है। कभी भी गिरावट में देखिए हर डीप पे कंपनी बाय है, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए कंपनी जब ऊपर जाने लगता है शेयर प्राइस, तब आपको बाय करना है। तो यहाँ पर जब आप गिरावट में बाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा और बेटर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो अगला कंपनी है, वो कंपनी भी काफी बेहतरीन है। देखिए, अगर इसके क्लाइंट बेस को देखें, तो क्लाइंट बेस टू व्हीलर में देखिए बजाज ऑटो, BMW, होंडा, हीरो, KTM, महिंद्रा, तो इस तरह से सारे के सारे, जो TVS हो गया, सुजुकी हो गया, यामाहा हो गया, सारे के सारे कंपनी इसके क्लाइंट ही है। फोर व्हीलर में जाएगा तो फोर व्हीलर भी जो मेजर मतलब कंपनियां हैं इसके कस्टमर्स हैं, अशोक लेलैंड हो गया, फोर्ड मोटर हो गया, यहाँ पर देखिए मारुति सुजुकी, होंडा, हुंडई, महिंद्रा, तो सारे के सारे, टाटा मोटर्स, टोयोटा, तो सब के सब इसके क्लाइंट हैं। तो इतनी बेहतरीन कंपनी, और यह कंपनी भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाती है, और ये कंपनी है मिंडा इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन कंपनी, और जो कंपनी है उसका बिजनेस काफ़ी ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है। ये तो हमने आपको कस्टमर बेस बताया, कस्टमर बेस के साथ साथ कंपनी का जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली है। देखिए इंटरनेशनल क्लाइंट, यहाँ देखिए इंटरनेशनल क्लाइंट में आपको मिल जाएंगे अप्रीला, KTM, मोटो गुज्जई, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे, जो फोर व्हीलर में भी कई सारे इसके इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो देख लीजिए सारे के सारे, इतनी बेहतरीन कंपनी है, तो इसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करें अगर मिंडा इंडस्ट्री का, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 735 रुपीज का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.12% का डिविडेंड यील्ड है,
अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.97%, फेस वैल्यू 2 का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 69.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और बात करें डेट टू इक्विटी का 0.52 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और अगर बात करें टोटल डेट का तो 1163 करोड़ का टोटल डेट है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 207 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, रिजर्व की बात करें 2200 करोड़ का रिजर्व है। तो इस तरह से कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है, और बिजनेस के साथ साथ कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। अगर देखिए चार्ट की बात करें तो चार्ट पे यह स्टॉक काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, 2009 से अभी तक में 6000% का रिटर्न दिया है। तो चार्ट में देखिए कितना सॉलिड है, किसी भी गिरावट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते। अभी थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, जब गिरावट मिलता है तब इन्वेस्ट करना। अगर आप अच्छे प्राइस पे बाय नहीं करते हैं तो फिर आपको रिटर्न जो है काफ़ी कम मिलेगा, तो रीजनेबल प्राइस पे बाय करना काफ़ी बेहतरीन होता है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है उसका भी देखिए, तीसरा स्टॉक ये काफ़ी ग्रोइंग स्टॉक है, मतलब ये कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है। और इसका भी देखिए कस्टमर बेस देखिएगा, ये है सुपरजीत ग्रुप, टाटा मोटर्स, BMW, आप यहाँ पर देखिए सुजुकी, महिंद्रा, जगुआर, लैंड रोवर, तो यहाँ पर मतलब लैंड रोवर, जगुआर ये सब टाटा मोटर्स के हैं। टाटा मोटर्स भी हो गया, आयसर मोटर हो गया, स्वराज इंजन हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, मतलब जितने भी आप बेहतरीन कंपनियाँ आप इंडिया की जानते हैं वो भी है, साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट भी है। ये कंपनी भी ग्लोबली अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस को कर चुकी है। ये भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। और अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात है, मात्र 4321 करोड़ का है, करेंट प्राइस 312 रुपीज है, डिविडेंड की बात करें 0.24% डिविडेंड यील्ड है। और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 44.6% है, प्लीज परसेंट जीरो है, डेट टू इक्विटी 0.29 है, और टोटल डेट की बात करें 289 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट की बात करें 143 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और रिजर्व की बात करें 976 करोड़ का रिजर्व है। तो इस तरह से ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस भी काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। और बात करें इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का, देखिए चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 3800% का रिटर्न है। तो और अगर इसको किसी गिरावट में बाय करते तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिलता, देखिए लगभग 7000-8000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। किसी भी गिरावट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी गिरावट में जब इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, निश्चित रूप से एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।